वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इस वीडियो में मैं फ्रिक्शन क्लच प्लेट के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूँगा कि उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एलिमेंट को अपने मशीन में यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप किसी भी आकार के वस्तु या किसी भी आकार के मटेरियल को आप यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, जो आपका जो क्लच प्लेट है वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल का होना चाहिए। अब थर्मल कंडक्टिविटी वाला एक टर्म आता है, थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। अब इसे समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई चीज़ है जो जल्दी हीट को अपने में ले रहा है और जल्दी उसे रिलीज भी कर रहा है, यानी कि वो जल्दी से अपने में से ट्रांसफ़र कर दे रहा है। मतलब वो जितनी जल्दी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा और जितनी जल्दी उसे रिलीज़ करेगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी कही जाएगी। क्लच प्लेट के मामले में हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो फ्रिक्शन प्लेट है, वो फ्रिक्शन प्लेट उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो फ्रिक्शन से ही फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में आता है। फ्लाईव्हील आपका कंटिन्यू रोटेट होते जा रहा है और जो फ्रिक्शन क्लच प्लेट है उसके जब कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन क्लच प्लेट की जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो फ्लाईव्हील में ग्रिप बनाने की कोशिश करती है और उसी ग्रिप के कारण आपका क्लच इंगेज की पोजीशन पे आता है। बट फ्लाईव्हील बहुत स्पीड में रोटेट कर रहा है, बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है। उतने में आपका जब फ्रिक्शन क्लच प्लेट जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, जब उसे इंगेज होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होनी चाहिए उस हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने में से ट्रांसफ़र करने के लिए। अगली प्रॉपर्टी बोला जाए रेजिस्ट टू मेल्ट या हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, मतलब कि वो टेम्परेचर जिस पे ये आ करके पिघलने लगे या मेल्ट होने लगे वो इसका हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहा, मेल्टिंग टेम्परेचर अगर इसका लो रहा तो ये थोड़े से टेम्परेचर पे अगर पिघल गया तो आपके फ्लाईव्हील पे ये बुरा असर डाल सकता है, आपका इंजन की परफॉर्मेंस पे बुरा असर डाल सकता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ये आसानी से पिघलना नहीं चाहिए, ये हाई हीट को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी जो इसके पास होनी चाहिए, गुड फ्रिक्शन, अच्छी खासी फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हो जानी चाहिए। जितनी अच्छी फ्रिक्शन वो अप्लाई कर पाएगा उतने ही क्लच आपका इंगेज और डिसइंगेज स्मूथली होगा। तो इसमें फ्रिक्शन की भी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए। अगला है गुड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ही होता है कि वो कितने लंबे समय तक के टिकता है। ऐसा नहीं कि आपका जो क्लच प्लेट है आप वर्क कर रहे हो और ये कुछ दिन चला और ख़राब हो गया। तो आपका जो क्लच प्लेट का जो मटेरियल है ऐसा होना चाहिए कि लंबे टाइम, लॉन्ग टाइम तक के आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे। इसके साथ साथ क्लच प्लेट के पास एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, अगर ये रिजिड होगी तो ये कॉन्टैक्ट कैसे बनाएगा फ्लाईव्हील के साथ? एंड अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो आपको जो क्लच प्लेट है ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए आपका क्लच प्लेट। अगर आपका क्लच प्लेट ही इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया तो आपका इंजन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जितना पॉसिबल हो चीप प्राइस पे आपके पास अवेलेबल हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी है आपके क्लच प्लेट की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।